चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम वी स्टडीड अबाउट सेल्फ एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी, इलेक्ट्रिक प्रेशर, राइट। सो ये सब टॉपिक क्लास 12 में नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप क्लास 12 पढ़ ही चुके हैं इन सब टॉपिक्स का, ठीक। तो ये सब टॉपिक क्लास 12 में नहीं है, ये नहीं आएंगे क्लास 12 में, बट ये मेंस में, एडवांस में, नीट वगैरह में है ना, ये लोग आएंगे। तो इनको अच्छे से जो है पढ़ लीजिए। और अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जो आपने क्लास में नहीं देखे हैं। आपने बेसिक देखे हैं उनके, ये बात तय है, लेकिन आपने उन टॉपिक्स को इस लेवल पर आकर के नहीं देखा है कभी, ठीक है। ये मैं अभी आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। सो अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर एक बड़ा टॉपिक है, उसके पहले कुछ और बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसमें सम्मिलित लोग जो हैं, जो टॉपिक हैं वो भी उसमें आएंगे। तो उसके पहले मुझे कुछ बेसिक समझाने पड़ेंगे। जरा मैं बेसिक में लेके चलता हूँ, मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा जो क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो पढ़ा चुका हूँ वो मुझे ये मानना है कि आपको वो चीज़ आती है, ठीक है। मैं वो पढ़ाऊंगा जो मैं जो मेंस के और एडवांस के और नीट के सिलेबस में वो चीज़ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ज़रा। तो जैसा कि हम लोग को ये बात पता है पहले से कि सर हम लोगों ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ठीक है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना, हमने सब कुछ पढ़ा। तो अब मैं अगर आपसे कुछ बेसिक बात डिस्कशन करूँ तो मुझे को क्या मिलेगा, तो देखिएगा सब बात इसके बारे में। हाँ, सो अगर मैं आपसे बेसिक डिस्कशन करूँ भाई, तो बेसिक डिस्कशन में मुझे जो है आपसे मिलेगा कि पोटेंशियल ड्यू टू तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक, कंडक्टिंग स्फीयर। ये अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को फॉर्मूला दोगे, तुम कहोगे भाई ये तो बहुत सिंपल है सर, इसमें क्या दिक्कत है, ये लीजिए, ये तुम्हारे पास कंडक्टिंग स्फीयर माना है ना आपने, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर में सर ये रहा चार्ज, ठीक, ये रहा सेंटर, ठीक है भाई, सेंटर है, ये चार्ज है, ये तुम्हारे पास सेंटर से लेकर के यहाँ तक, ये तुम्हारे पास कोई, तुम्हारे पास आर है, राइट, नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ तक तुम्हारे पास ये आर है, ठीक। लेट सपोज आई टेक थ्री डिफरेंट पॉइंट, आई टेक दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज एल पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज जी पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज एस पॉइंट, ठीक है। वी जी क्या लिखवाओगे बताओ भाई, वी जी लिखवाओगे 1/4πε0 क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना आर है ना। वी एल क्या लिखवाओगे, वी एल लिखवाओगे 1/4πε0 क्यू अपॉन कैपिटल आर। वी एस क्या लिखवाओगे, 1/4πε0 क्यू अपॉन, इसमें कोई डाउट तो नहीं, इसमें तो किसी बात का डाउट नहीं ना, ये क्लियर होना चाहिए है ना, तभी हम लोग आगे की बात कर पाएंगे। यही डाउट है तो फिर क्या बताएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा है कि एज आई एक्सप्लेन इन द इक्विपोटेंशियल टॉपिक दैट द कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर दैट कि कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम। एंड इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन अगेन से कि वी एल इज इक्वल्स टू वी एस इज इक्वल्स टू वी एम इज इक्वल्स टू वी एन इज इक्वल्स टू वी एच इज इक्वल्स टू वी डी, ठीक, मतलब कि एम पॉइंट, मतलब कि एन पॉइंट, मतलब कि एच पॉइंट, मतलब कि डी पॉइंट, जहाँ पे भी ये पर्टिकुलर पॉइंट हैं हर जगह पे पोटेंशियल सेम है, कैसा है, तुम्हारे पास वी एल के बराबर है। इतनी बात क्लियर है सभी लोग को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। सो अगर हम इसका डायग्राम आपको बनवाए थे, आपको पढ़ाए थे इसका डायग्राम, तो हम आपको समझाए थे कुछ भाई कि ऐसा है कि इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा कि ये तुम्हारे पास बना है पार्ट, ठीक, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी ड्रॉ इट लाइक दिस, ठीक है, अगर हम इसको तुम्हारे पास ऐसे कुछ बना लें तुम्हारे पास, ठीक ठीक, और लेट रब दिस पार्ट, ये पार्ट हटा दें। सो ये तुम्हारे पास हमने कहा था कि भाई ये तुम्हारे पास यहाँ से लेके ये तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर है,
यहाँ पे भी ये तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर है, यहाँ पे जो होता है वो के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे बनाया भी था ये फुटबॉल, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया था आपको कि तुम्हारा ये जो तुम्हारे पास पार्ट रहता है यहाँ तक, ठीक, जब तक ये तुम्हारे पास पार्ट, लेटर्स ड्रॉ दिस पार्ट, ये पार्ट, ठीक, ये पार्ट जो हम लोगों ने आपको पढ़ा था। सो आई एक्सप्लेन यू दैट दिस इज दी तुम्हारे पास सॉलिड स्क्वेयर, ठीक है, दिस इज आर इज इक्वल टू जीरो, दिस वन इज आर लेस देन आर, दिस इज आर इज इक्वल टू आर, दिस इज आर ग्रेटर देन आर। क्या बात क्लियर है? ये बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें मैं कुछ आपको नहीं बता रहा, ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। नाउ व्हाट आई डिडंट टेल यू, व्हाट आई डिडंट टेल यू, जो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया वो क्या है? वो मैंने ये नहीं पढ़ाया तुमको, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मैंने तुमको नहीं पढ़ाया, हाई नहीं कोर्स में क्या करते भाई, ठीक, अब जहाँ आया है वहाँ पढ़ा रहा हूँ। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे सवाल आते हैं बहुत ज़बरदस्त सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आप जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ उसमें अगर आप कमांड कर ले रहे, ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको पूरे साल लगातार पढ़ाता रहूँगा, ठीक है, आपके जेई एडवांस मेंस के साथ लगातार टॉपिक पढ़ाता रहूँगा। मुद्दा ये है कि आपके पास कितना समय है और इनको कितना पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, हम आपको प्रैक्टिस करवा लेंगे। बस अभी थोड़ा सा कहना है, कोरोना के चक्कर में डिस्टर्बेंस चल रहा है, विद इन अ वीक और 10 डेज मैं फ्री हो जाऊंगा काफ़ी कुछ, बस उसके बाद सब बढ़िया रहेगा। तो चलो देखते हैं। सो अगर हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, सर इसमें क्या बताने वाले हो एंड व्हाट यू हैव एक्स्ट्रा फॉर अस, क्या है आपके पास हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा पार्ट? फिर नॉन कंडक्टिंग आते ही कुछ बढ़िया हो ही जाता है, इंटरेस्टिंग अपने आप ही हो जाता है, इसमें क्या ही बताना है, ठीक। तो नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग मतलब एक ऐसा फुटबॉल जिसके अंदर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जिसके अंदर पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये यूनिफॉर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? फुटबॉल में एक जगह ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज हो, मतलब ऐसे समझ लो कि भीड़ हो जाए, ऐसे समझ लो कि तुम्हारे पास भीड़ हो जाए, यहाँ पे इतना हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारे पास भीड़ हो जाए, ठीक है। अगर ये तुम्हारे पास भीड़ हो जाएगी तो अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, एक जगह भीड़ हो जाए बाकी जगह नॉर्मल नॉर्मल वाला हिसाब रहे, ठीक। इसने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। क्या ये भी केस आते हैं? हाँ ये भी केस आते हैं, इनको तो न्यूमेरिकल के थ्रू देखा जाएगा, ठीक है, इसके लिए कोई अलग से टॉपिक नहीं बताना पड़ता है, न्यूमेरिकल में हो जाता है। अगर मेरे को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? सिंपल सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे लेकर के आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। सो लेट अस गो फॉर द कैलकुलेशन फॉर दी दिस इज दिस पॉइंट वी कंसिडर्ड जी एल एस, राइट। So we are considering this particular point here as this is a G point, this is the L point, ठीक है, and this is the हमारे पास S point, ये हमने ले लिया। इसने कहा बढ़िया किया, सही किया, अच्छा है, ठीक। अब इसने कहा क्या करोगे? इसने कहा कि फॉर तुम्हारे पास पॉइंट जी पहले निकाल के बताओ, पहले फॉर पॉइंट जी निकाल के बताओ। उसने कहा कि ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। सो वही फंडा अपना तुम्हारे पास कि आर दूरी पे हमने तुम्हारे पास ले लिया होगा। इसने कहा हाँ ले तो लिया होगा। तो इसने कहा लाओ फिर ले आओ, ले आते हैं भाई जरा यहाँ पे देखिएगा। सो वी कंसीडर इट दिस इज दी डिस्टेंस तुम्हारे पास आर, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक सर क्या लिखोगे? इसने कहा कि इसको तो सिंपल सा ऐसे लिखेंगे कि ई जी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन तुम्हारे पास जो है डी आर, ई जी इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ई जी उसके समझ डी वी अपॉन डी आर लिखा है, आई वुड लाइक टू राइट डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ तुम्हारे पास ई जी तुम्हारे पास डी आर। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के मेरे को फॉर्मूले पता होने चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसने कहा कि लाओ भाई पहले उनके बारे में चर्चा कर लेंगे, आपको पता होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ ई जी का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, 1/4 πε0 क्यू अपॉन तुम्हारे पास जो है आर स्क्वायर। इसने कहा ओके। इसने कहा ई एल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 1/4 πε0 क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। इसने कहा ओके ठीक है। इसने कहा लेट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस एज आर डैश, ठीक है, यहाँ तक ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है आर डैश ले लेते हैं यहाँ से, ठीक, सेंटर से। इसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
तो अगर मैं आपसे ES का फॉर्मूला पूछूंगा आप क्या बोलोगे? 1/4 πε₀ q(r′) तुम्हारे पास r³। बात क्लियर है भाई? देखिए फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। मैं आपको फॉर्मूले रटने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, उसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होने चाहिए। आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आता जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक, मेरी बात को समझना। dv इज इक्वल टू तुम्हारे पास हो गया माइनस ऑफ द Eg तुम्हारे पास जो है dr, राइट? इसने कहा कि ठीक है। क्या हम लोग ये बात जानते हैं कि सब जो इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है, जो इन्फिनिटी पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है? उसने कहा हाँ सर, हम ये बात जानते हैं। तो इसने एक काम करते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस Eg का फॉर्मूला, -1/4 πε₀ तुम्हारे पास क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना r² तुम्हारे पास dr, ओके। इसने कहा इंटीग्रेट करो, इसने कहा तुम्हारे पास क्या करो, इंटीग्रेट करो। उसने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने की वजह से क्या मिला, इंटीग्रेट करने की वजह से मिला तुम्हारे पास क्या, ये हो गया है तुम्हारे पास dv, ये हो गया 0 से लेकर के v, ये हो गया है -1/4 πε₀ तुम्हारे पास बाहर, ये q बाहर, और ये तुम्हारे पास इन्फिनिटी से लेकर के तुम्हारे पास r, ये हो गया है 1/ तुम्हारे पास r² तुम्हारे पास dr। मेरी बात को समझिएगा ज़रा एक बार। यदि मैं आपसे ये कहता हूँ, यदि मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने ये जीरो पोटेंशियल इसलिए लिखा क्योंकि इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होता है, मैंने यहाँ पे भी इसलिए लिखा क्योंकि मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ, मैं पॉइंट जी पे पोटेंशियल निकालने के इच्छुक हूँ, इसलिए मैंने आ रखा है। इट इज जस्ट लाइक कि आई एम ब्रिंगिंग समवन फ्रॉम इन्फिनिटी टू तुम्हारे पास पॉइंट जी, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आर की वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर के आर की वैल्यू आर तक। इसमें आगे ठीक, कोई बात, बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो जरा, dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, वी होता है, ठीक है, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, -1/ तुम्हारे पास 4πε₀ क्यू यहाँ पे, 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r होता है, ठीक, ये तुम्हारे पास r और ये तुम्हारे पास इन्फाइनाइट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये इंटीग्रेशन, इतना बेसिक इंटीग्रेशन तो आपको याद पढ़ाया है मैंने, ठीक। v माइनस तुम्हारे पास 0 इज इक्वल्स टू -1/4πε₀ तुम्हारे पास ये प्लस कैपिटल Q, ये तुम्हारे पास 1/r -1/ तुम्हारे पास कितना इन्फिनिटी, ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो वी इज इक्वल्स टू 1/4πε₀ तुम्हारे पास क्यू अपॉन, ठीक, इसका मतलब वी इज इक्वल्स टू vg इज इक्वल्स टू के तुम्हारे पास q/r, ये हो गया तुम्हारे पास। क्या बात क्लियर हुई? तो पॉइंट जी पे जो पोटेंशियल निकाला है हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, वो तुम्हारे पास आया 1/4πε₀ k³/r, राइट, मतलब q/r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स गो फॉर द पॉइंट क्या नाम है L, ठीक है, अब यहाँ ले ले रहे हैं, ठीक है, जगह बात बची हुई है, यहीं पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो तुम्हारे पास अब पॉइंट, तुम्हारे पास L की बात करते हैं, पॉइंट L, ये पॉइंट L एग्जैक्टली है कहाँ, ये तुम्हारे पास है सरफेस ऑफ कंडक्टर पर, ये पॉइंट L एग्जैक्टली कहाँ पे है बेटा, ये है तुम्हारे पास जो है सरफेस ऑफ कंडक्टर पर, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, ठीक है, सरफेस ऑफ तुम्हारे पास जो है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे, ठीक, देखिए, हाँ बेटा बोलो सर। इन्फिनिटी के लिए तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते थे कि ये जो स्फीयर होगा वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे पास हम बहुत ज्यादा डिस्टेंस, लेकिन मुद्दा ये है ना, जो तुम ये बात बताए कि इन्फिनिटी के लिए कर सकते हैं, ठीक है, मैंने आर के लिए क्या कोई अप्रोक्सीमेशन माना, मैंने आर के लिए कोई अप्रोक्सीमेशन तो माना नहीं। जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम ये ऐसा बोलेंगे नियर द विकिनिटी, है ना, नियर द विकिनिटी का मतलब है व्हाट एवर माई चार्ज बॉडी इज, मैं उससे कुछ नज़दीक रहूँगा, ठीक है, इन्फिनिटी के लिए दिस विल बिहेव एट द पॉइंट चार्ज, ये आर भी बहुत ग्रेटर होगा, दिस विल बिहेव एट द पॉइंट चार्ज, ठीक है, हम डायरेक्टली लिखने को लिख सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो मैंने तुम्हें करके दिखाया, बस, ठीक है, नहीं मन चाहे मत करो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली लिख दो, कोई इशू नहीं, मार्क्स पूरे मिलेंगे आपको, बस अपनी लाइन जरूर लिख देना, ठीक है, चल। सो लेट अस गो फॉर दी तुम्हारे पास वी एल पॉइंट 1/4πε₀, हेयर आर इज इक्वल टू कितना कैपिटल आर, ठीक, और ये तुम्हारे पास कितना क्यू अपॉन तुम्हारे पास क्या कैपिटल आर, तो फॉर्मूला हो गया के तुम्हारे पास क्यू अपॉन कैपिटल आर, खत्म हो गया फॉर्मूला कंप्लीट यहाँ पे। अब तुम्हारे पास पॉइंट एस के लिए आते हैं, ठीक है, जैसा कि हमको ये पता है कि जो अंदर और बाहर जो पोटेंशियल होता है बिल्कुल सेम होता है, इसका मतलब वी एस इज इक्वल टू हो जाना चाहिए वी एल। इसने कहा नहीं, नहीं हो पाएगा ऐसा, इसने क्यों नहीं हो पाएगा, इसने कहा कि ये तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग बॉडी है,
नॉन कंडक्टिंग बॉडी जो होगी वो तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है. नॉन कंडक्टिंग बॉडी इज नॉट इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. ये क्या है मतलब? नॉन कंडक्टिंग बॉडी तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है. इसका मतलब है कि पोटेंशियल एट तुम्हारे पास सरफेस, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एट सरफेस इज नॉट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, इज नॉट पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द बॉडी, इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द तुम्हारे पास. क्या ये मेरी बात बिल्कुल क्लियर है? क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर है? इसमें तो कोई संशय नहीं है ना भैया. जो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज फॉर द चार्ज द कंडक्टर, ठीक है. बट दिस इज एन चार्ज्ड तुम्हारे पास नॉन कंडक्टिंग बॉडी, ठीक. ये नॉन कंडक्टिंग तुम्हारे पास बॉडी है, चार्ज्ड है पर नॉन कंडक्टिंग है, ठीक है. अगर ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है. इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम नहीं है तो सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल तुम्हारे पास इनसाइड द बॉडी नहीं होगा. बात क्लियर है सभी लोग को? अब नहीं होगा तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा. ऐसा तो है नहीं कि होगा ही नहीं, है ना. कुछ ना कुछ तो होगा. कितने का कि लेट्स देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, अभी पता लग जाएगा. इसने कहा ठीक है, चलो पता लग जाएगा. सो अब हमने कहा कि पॉइंट एस पे निकालने का है कि पॉइंट एस पे करके क्या होगा. इसने कहा ठीक सर, लेकर के आते हैं. सो यहाँ पे हमने एक बार डायग्राम बनाया, ठीक है. इस डायग्राम में हमने तुम्हारे पास इधर की तरफ ये ऐसे यहाँ पे बनाया, ठीक, ऐसे. और फिर हमने इसके अंदर एक अंदर जो है छोटा सा क्या नाम है फुटबॉल बना लिया. क्यों बनाओ क्यों फुटबॉल? अरे कहाँ चला गया. इसके अंदर हमने जो है छोटा सा फुटबॉल बना लिया और ये रहा यहाँ पे. ये तुम्हारे पास हमने छोटा सा फुटबॉल बना लिया. अभी छोटे से फुटबॉल के लिए हमने तुम्हारे पास ये कहा कि ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास आर है, ठीक है. और ये हमने इसको जो है ऐसे यहाँ पर ले लिया, ठीक. ये तुम्हारे पास एस पॉइंट है, ठीक है. और चार हर जगह तुम्हारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से. कुछ इस तरीके से चार तुम्हारे पास जो है हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब बात समझो, ठीक. अब इसने क्या बोला? इसने कहा कि हम लोग को तो क्या नाम है निकालने का है पोटेंशियल. इसने कहा कि ठीक है निकालो पोटेंशियल में क्या दिक्कत है. इसने कहा कि ई एस इज इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर लिखते हैं एंड डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई एस तुम्हारे पास डी आर लिख देते हैं. इसने कहा हाँ ठीक है. अच्छा ये वाला पॉइंट तुम्हारे पास कौन सा है? एल पॉइंट है. इसने कहा कि अगर मैं लिखूँ वी एल से तुम्हारे पास वी एस, ठीक है, तुम्हारे पास डी वी इज इक्वल्स टू, इसे लिखूँ के तुम्हारे पास क्यू, तुम्हारे पास आर अपॉन तुम्हारे पास आर क्यूब, तुम्हारे पास डी आर, और यहाँ लिखूँ माइनस, और यहाँ पे लिखूँ आर, और यहाँ पे लिखूँ आर. किसी को कोई आपत्ति? किसी को लिमिट्स में कोई आपत्ति है भैया? वी एल अपना आर पे है, वी एल अपना आर पे है, एस अपना अंदर है, मैं स्मॉल आर पे ले आया. माई स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द इमेजिनरी स्क्वायर व्हिच आई हैव टेकन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द पोटेंशियल एट द पॉइंट एस, ठीक है भाई. कोई किसी को आपत्ति तो नहीं आता किसी तरीके की, ठीक. चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसने कहा कि ठीक सर यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, आप करो आगे बढ़ो आप. तो हम आगे बढ़ गए. हमने क्या बताया? हमने कहा कि अब मेरे को पोटेंशियल निकालना है, वी एस निकालना है. तो इसने कहा तो बहुत सिंपल सा लग रहा है, डायरेक्ट लग रहा है यहाँ पे. ऐसा लग रहा है कि अब आप लाओगे वी और इसे लिखोगे वी एस, इसे लिखोगे तुम्हारे पास वी एल, ठीक है. यहाँ से के निकाल लोगे, क्यू निकाल लोगे और तुम्हारे पास आर क्यू को बाहर बुला लो, है ना. ये करोगे यहाँ पे, इसको लिख लोगे आर स्क्वायर बाय टू और यहाँ पे लिखोगे तुम्हारे पास क्या आर और यहाँ पे लिखोगे कैपिटल आर और ये हो गया माइनस, ठीक. वी एस माइनस तुम्हारे पास वी एल इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना आर क्यूब, ये हो गया है टू और ये हो गया है तुम्हारे पास आर स्क्वायर और ये हो गया तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? माइनस साइन यहाँ पे. वी एस इज इक्वल्स टू कितना वी एल प्लस सॉरी प्लस ऑफ द वी एल माइनस ऑफ द के क्यू अपॉन तुम्हारे पास टू आर क्यूब तुम्हारे पास आर स्क्वायर माइनस तुम्हारे पास आर स्क्वायर. ओके नहीं नहीं कोई इशू नहीं, चलो चलते रहो आगे बढ़ते रहो. आगे बढ़ते गए हम लोग. वी एल का फॉर्मूला क्या है? वी एल का फॉर्मूला है के क्यू बाय तुम्हारे पास आर. अब मल्टीप्लाई करते हैं, के क्यू तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन टू तुम्हारे पास आर क्यूब प्लस तुम्हारे पास के तुम्हारे पास क्यू, आर स्क्वायर ऊपर था आर क्यूब नीचे था, ये टू तुम्हारे पास आर. तो बना क्या नाम है 3/2 तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर के क्यू आर स्क्वायर अपॉन टू तुम्हारे पास आर क्यू. ये बना 3/2 तुम्हारे पास के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर
ये थ्री यहाँ पे आ जाएगा, थ्री ये आएगा वन बाय टू के क्यू बाय आर, ये आएगा थ्री माइनस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पॉइंट एस इन साइड थ्री. बात क्लियर हुई क्या? क्या निकाला मैंने, ये क्या निकाला, ये मैंने निकाला एस पॉइंट पे पोटेंशियल. ये पॉइंट मेरा कहाँ हो सकता है? अब कैपिटल आर से लेकर के तुम्हारे पास जीरो तक कहीं पे भी ये एस पॉइंट हो जाता है. डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पे रखना है. इसने कहा कि ठीक है बढ़िया है, ठीक है. अब इसने कहा कि डायग्राम बनाते हैं. इसने कहा हाँ चलो डायग्राम बना देते हैं. ठीक, अब यहाँ पे इसने डायग्राम बनाया. इसने कहा कि ये तुम्हारे पास यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग वी, ये हम लोग ले लेते हैं आर, और ये लो हम लेते हैं फुटबॉल अपना. ठीक, ये पलों ने फुटबॉल ले लिया अपना. ठीक, अब इस फुटबॉल पे तुम्हारे पास जैसा कि हम लोग हमेशा से ड्रॉ करते हुए आए हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक, ये तुम्हारे पास हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया. ठीक, जो पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया. हमने कहा ठीक है, हमने कहा कि ये तुम्हारे पास एल पॉइंट है. ठीक, एल पॉइंट के बाद आगे लिए. ठीक, अब इसने कहा कि यहाँ से ऐसे यहाँ से तुम्हारे पास ये ऐसे. ठीक, इसने कहा मतलब इसने कहा कि एट तुम्हारे पास आर इज इक्वल्स टू जीरो, वी ओ इज इक्वल्स टू वन बाय टू, तुम्हारे पास के क्यू बाय आर इज इक्वल्स इन टू थ्री माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, तो इट इज थ्री बाय टू तुम्हारे पास के क्यू बाय तुम्हारे पास आर. ओके, अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास, अगर ये वैल्यू तुम्हारे पास 0.5 है, ये वैल्यू 1 है, तो ये वैल्यू कितनी 1.5 हुई, है ना. मतलब अगर हम स्केलिंग अगर दें तो ऐसा दे सकते हैं, इसने कहा दे सकते हो. तो इसने कहा कि ये कौन हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास वी ओ. ठीक, दैट इज 3 बाय 2 तुम्हारे पास के क्यू अपॉन आर. ये कौन हुआ, ये हुआ तुम्हारे पास वी एल, दैट इज 1 बाय 2 के क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर. ठीक, ये तो हो गया तुम्हारे पास आर इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट पे, ये हो गया आर इज इक्वल्स टू आर पॉइंट पे. आर की वैल्यू तुम्हारे पास कैपिटल आर से कम, ये इसका इस प्रोफाइल का फॉर्मूला क्या है, प्रोफाइल का फॉर्मूला है थ्री, इस प्रोफाइल का फॉर्मूला है वन बाई टू तुम्हारे पास के क्यू बाय तुम्हारे पास आर, थ्री माइनस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर. ठीक, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है, इस प्रोफाइल का फॉर्मूला क्या है, इस प्रोफाइल का फॉर्मूला है तुम्हारे पास वन बाय, इस प्रोफाइल का सिंपल सा फॉर्मूला है तुम्हारे पास कितना के तुम्हारे पास क्यू बाय आर. ये हो गया उस प्रोफाइल का फॉर्मूला, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. इस तरीके से किसी को हल्का फुल्का कहीं पे भी कोई डाउट आया है तो मुझे बताइए. आपको लग रहा हो ये बात अपने को नहीं आई समझ में, सो सर ग्राफ में हाफ के क्यू बाय आर ऊपर कैसे आ गया, हाफ के क्यू बाय आर ऊपर कैसे आ गया, हाफ एक वन बाय, हाँ ये ठीक है, वीएल इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर. ठीक है, और बस यही है. इसका मतलब ये एडिशनल कितना था, ये एडिशनल कितना था, ये एडिशनल था वन बाय टू हमारे पास के क्यू अपॉन आर. ये सभी लोगों को क्लियर है क्या, समझ में आया? अब ये पार्ट हमने आपको क्लास 12 में हमने आपको ये पार्ट नहीं पढ़ाया है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है. ठीक है, ये नहीं कि मेरा मन नहीं था ऐसे नहीं पढ़ाया, सिलेबस में नहीं है, कहीं नहीं है क्लास 12 में, किसी स्टेट बोर्ड में नहीं है, सीबीएसई आईसीई यूपी कहीं पर भी नहीं है, इसे नहीं पढ़ाया गया. मेन्स के सिलेबस में, एडवांस के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में फॉर्मूला वॉर्मला पूछ लेते हैं भाई, तो हमने पढ़ा दिया. ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम पूछेगा. अब मान लो कि डायग्राम ही देते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल वर्सेस रेडियस, क्या नाम है, डायग्राम फॉर दी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भैया ये डायग्राम बनता है, देन ओनली यू कैन आइडेंटिफाई, तभी आप उसको निकाल पाओ. क्लियर हुआ? अब एक मैं आपको जरा सवाल करवाता हूँ, ठीक है, जरा देखना ये सवाल. ठीक है, सवाल बड़े आराम से कर ले जाओगे तो, नीट और मेन्स लेवल का सवाल है, एडवांस में हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए. ठीक है, कह नहीं सकते इसको, तो जरा करवाता हूँ. मैं काम करता हूँ, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं सब क्वेश्चन लिख दूंगा, बहुत बड़ा सवाल है. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सवाल को कि क्या पूछा गया है और हमको क्या दिया गया है. इसने कहा कि तुम्हारे पास एक स्फीयर है. ठीक है, मैं अभी इसको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, आप नोट कर लेना. एक तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज क्यू है,
जो कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक तुम्हारे पास स्फेयर पे, ठीक है, इस स्फेयर का जो तुम्हारे पास रेडियस है वो तुम्हारे पास दे रखा है कितना, वो तुम्हारे दे रखा है तुम्हारे पास आर, ठीक। और फिर ये कहा गया है कि तुम्हारे पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, फिर इसने कहा कि तुम्हारे पास एक जो है ना पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज तुम्हारे पास क्यू रखा हुआ है और उसके मास मास एम है, ठीक है, उसको फायर किया गया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, दैट इज दिस। तो इसने कहा कि पॉइंट चार्ज फायर किया गया है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फेयर, इसने कहा ठीक है, ये दूरी कितनी इसने बताई है, इसने कहा कि इस दूरी को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंसिडर कर लीजिए कि ये तुम्हारे पास आर है और आर जो है वो ग्रेटर देन आर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि फाइंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइंड तुम्हारे पास वी मिनिमम, आप वो मिनिमम वेलोसिटी निकालिए, ठीक है, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट, सो दैट इट कैन पेनिट्रेट, ये पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, आर बाय टू डिस्टेंस ऑफ स्फीयर, आर बाय टू डिस्टेंस ऑफ तुम्हारे पास स्फीयर। मैं फिर से वह सवाल बोल रहा हूँ, मैं पूरा लिखा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक तुम्हारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ अ डायलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, डायलेक्ट्रिक स्फीयर बोला गया है, ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता ही लग जाता है जब थ्रू आउट द वॉल्यूम बोलते हो कि भैया तुम्हारे पास डायलेक्ट्रिक इंसुलेटर बोले तो नॉन कंडक्टिंग रहेगा, ठीक है, डायलेक्ट्रिक तुम्हारे पास स्फीयर बोला गया है। फिर ये बोला गया एक पॉइंट चार्ज जिसके पास तुम्हारे पास मास एम है और तुम्हारे पास क्यू है, वो तुम्हारे पास सेंटर ओ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे बैठा हुआ है जिसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर तुम्हारे पास ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इसको जब फायर किया गया है टुवर्ड्स द सेंटर ओ, ठीक है, इससे को जब फायर किया गया है टुवर्ड्स द सेंटर ओ, तो उसने पूछा है कि वो मिनिमम वेलोसिटी बताइए ताकि पेनिट्रेट कर जाए आर बाय टू डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अब तुम कहोगे कि यार ये बहुत बहुत ज़्यादा ही सिंपल सा सवाल है सर, देखिए लॉजिकली आप ये कह रहे हो कि आपको तुम्हारे पास वी पी चाहिए है, ठीक है, और दिस पर्टिकुलर चार्ज इज गोइंग टू रीच एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एस, और तो और आपने ये कहा कि ये जो चार्ज है ये तुम्हारे पास आर बाय टू डिस्टेंस अंदर घुस जाएगा, अब अंदर घुस जाएगा तो आर में से आर बाय टू बचेगा, तो ये दूरी भी कितनी बचेगी, ये वाली दूरी, तो इसने कहा कि ये वाली दूरी कितनी बचेगी, ये वाली, इसने कहा ये वाली दूरी बचेगी आर में से तुम्हारे पास आर बाय टू गया, तो ये वाली दूरी भी कितनी बची, ये भी बची तुम्हारे पास आर बाय टू, ठीक है। सो सिंपली वी आर सेइंग कि आर पी से एस तक जा रहा है, अब बताओ पी पे वेलोसिटी कितनी। अब तुम कहोगे देखो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, इसने कहा कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, इसने कहा कि एनर्जी तुम्हारे पास कंजर्वेशन लगाओ, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन अगर तुम लगाओगे तो तुम कहोगे कि टोटल एनर्जी एट तुम्हारे पास पॉइंट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट तुम्हारे पास कितना, एट तुम्हारे पास एस, इसने कहा राइट, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट पी, ठीक, और इसने कहा काइनेटिक एनर्जी प्लस तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास एट एस। अब ये बात तो तय है कि तुम पेंट्रेट कर जाओगे, अब पेंट्रेट करके तुम रुकोगे ना, पेंट्रेट करते ही चले जाओगे क्या अंदर तक, रुकोगे, सिंपल सी बात है, लॉजिकली यार तुम रुकोगे 100% रुकोगे, अब रुके तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी गई, ठीक है, इसका मतलब है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो और फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो। इसने कहा तो हाफ ऑफ दी एम तुम्हारे पास वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास यू एस, ठीक। अब तुम कहोगे कि यू एस, आपने सर हम लोग को ये पढ़ाया है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, ये पढ़ाया हुआ है, मान के चलो कि ये बात तुमको पता है, बेसिक बात है तुमको पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है यही तुम्हारे पास डब्ल्यू एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है, ये होता है क्यू V फाइनल जहाँ जा रहे हो, V इनिशियल जहाँ से जा रहे हो, है ना, तो Q तुम्हारे पास वी एस माइनस तुम्हारे पास कितना वी पी, और ये होता है तुम्हारे पास क्या डब्ल्यू एक्सटर्नल। क्या बात क्लियर है, Q वी एस माइनस वी पी और ये होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, उसी को हम लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो पॉइंट पी से लेकर के तुम्हारे पास ऐसा तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एस तुम्हारे पास कन्फिग्रेशन में बोलेगा, तो इसने कहा कि ठीक है आई वुड लाइक टू राइट वी तुम्हारे पास वी एस माइनस तुम्हारे पास जो है वी पी, इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मुद्दा ये है कि एस पे इसने बोल दिया और इसने पी पे बोल दिया, इसने कहा हाँ बोल दिया तो बोल दिया खत्म बस, इसने कहा कि क्या हम वी पी पे फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसने कहा हाँ सर लिख सकते हैं ना, अभी अभी तो पढ़ा उन्होंने कि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट बस क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर, ये फॉर्मूला होगा तुम्हारे पास वी पी पे, इसने कहा वी एस पे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना,
ये ले सकते हैं 1/2 तुम्हारे पास के, तुम्हारे पास क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर, 3 माइनस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बट तुम्हारे पास एट एस पे जो आर की वैल्यू होगी वो तो तुम्हारे पास आर बाय टू होगी भाई। एस पॉइंट पे जो स्मॉल आर की वैल्यू होगी वो तो कैपिटल आर बाय टू होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं ना किसी को भी, सीधी सीधी बात क्लियर है। इसने कहा, इसने कहा कि वी एस इज इक्वल्स टू 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर, 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 4R2। इसने कहा कि 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है, और R2 कैंसिल, 3 माइनस 1/4 चार्ज दिया, 12 माइनस 1 11 11 अपॉन 11 अपॉन तुम्हारे पास जो है 4, ठीक है, 8 4 32, तो ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारे पास 11 Q, ये हो गया तुम्हारे पास कितना, ये हो गया तुम्हारे पास 11 Q 8 4 32 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, ये आ गया तुम्हारे पास क्या, VS की वैल्यू। कोई दिक्कत तो नहीं, मैं सिंपल सीधी सीधी बात समझा रहा हूँ, मैं अभी कोई टेढ़ी बात नहीं करी, मैंने जो मैंने अभी पढ़ाया वही मैंने अभी उसका एप्लीकेशन बताना शुरू किया है कि देखो कहाँ लग रहा है, ठीक। उसने कहा कि ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, VS पता लग गया, VB पता लग गया, क्यू तो पता ही पता है, M तो पता ही पता है, बस अब बचा ही क्या सवाल, कुछ भी तो नहीं बचा। इसने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक, समझना जरा। हाफ ऑफ एम तुम्हारे पास वी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू तुम्हारे पास 11 कैपिटल क्यू 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस तुम्हारे पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक, और ये तुम्हारे पास ये आ गया। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, एक काम करते हैं, ये तुम्हारे पास हो गया है वी पी स्क्वायर, ये हो गया है तुम्हारे पास क्यू, ठीक है, और यहाँ से तुम्हारे पास क्यू अपॉन एम, ठीक है, और यहाँ से 2 2 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, और तुम्हारे पास ये 2 हो गया होगा, ये 2 से 16 हो गया होगा, ये 2 से 2 हो गया होगा, ठीक। इसने क्या ले सकते हैं, इसने कहा कि 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर चुरा लेगा, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर चुरा के लेके चले गए। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचा तुम्हारे पास कितना होगा, ये तुम्हारे पास, इसने कहा कि ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11 अपॉन तुम्हारे पास जो है कितना, 11 अपॉन 4, ये आया होगा 16, और यहाँ से हमने 2 उठा लिया होगा, ये आया होगा 8, 11 अपॉन तुम्हारे पास 8 माइनस तुम्हारे पास क्या बचा होगा, ये रहा होगा तुम्हारे पास कैपिटल, यहाँ पे शायद एक मिस्टेक करी है, फॉर्मूले में R लिखा था, ये रहा फॉर्मूले में तुम्हारे पास R लिखा था, ठीक है, R लिखा था, तो इसका मतलब है आई नीड टू पुट तुम्हारे पास कैपिटल R और तुम्हारे पास स्मॉल R, कैपिटल R स्मॉल R हमने पुट कर लिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि वी पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना, अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन एम, क्यू अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, और 11/8 माइनस वापस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, दिस वुड बी द फॉर्मूला। इस तरीके से हम लोग सर स्मॉल आर की वैल्यू अभी रख है सर, स्मॉल आर की वैल्यू आर बाय टू, हाँ हाँ हाँ, स्मॉल आर की नहीं, ये वाला स्मॉल आर नहीं है, ये तो वो वाला है तुम्हारे पास जो वहां से लाए थे, ये रुक जाओ मैं इसको यहाँ पे वो कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये तुम्हारे पास आर डैश लिख देता हूँ, यहाँ पे तुम्हारे पास आर डैश का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, ये आर डैश का लिख देता हूँ, ठीक है, स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पुट करनी है, वो तो वो है ना पॉइंट बी की लोकेशन है, ठीक है, पॉइंट बी की लोकेशन है वो, जो अपना आर डैश जो अपना आर बाय टू वाला इस्तेमाल करना तो ये रहा मैंने आर डैश ले लिया उसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्लियर हुआ, स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पुट कर देना, गलत हो जाएगा सवाल करना, ये रहेगा पूरा पूरा आंसर। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया है स्पीड तुम्हारे पास एट पॉइंट पी, इट्स अ मिनिमम स्पीड एट द पॉइंट पी, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास पेनिट्रेट करवा दिया जाएगा तुम्हारे पास अंदर, इस तरीके से हम लोग इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। क्लियर हुआ सभी लोगों को, कोई डाउट तो नहीं किसी तरीके की, ठीक, चल आगे पढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमको आपको बताने के लिए, अब नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सी चीज़ें बताने के लिए, उसको देखिए पहले जरा क्या बता रहा हूँ मैं आपको। सो फॉर नेक्स्ट पार्ट वी हैव
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड ऑफ, चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ एल एट एनी एंगल पोजिशन। अब तुम कहो यार ये तो पढ़ चुके हैं, तुम फील्ड पढ़ चुके हो, अब तुमको पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं, ठीक है फील्ड पढ़ चुके हो तुम, हमने कराया था आपको फील्ड में, ठीक है फील्ड वाला काम हो चुका है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं क्या, हम पढ़ा रहे हैं पोटेंशियल। ठीक देखो जरा सिंपल सी अप्रोच है बिल्कुल वही, अगर आप इसमें अपने आप भी पढ़ोगे और अपने आप भी निकाल लोगे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक अब इसमें दो तरीके की रॉड आती हैं, मैंने आपको सिखाया था, मुझे याद नहीं हूँ लेक्चर नंबर क्या है, शायद चार था या पाँच था, पाँच शायद, हाँ शायद यही है ये रहा। देखो तुमको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, राइट। तो हम लोगों ने ये तुम्हारे पास देखा था, हमने कहा था कि भाई ऐसा है कि ये तुम्हारे पास हम लोग निकालते हैं, अगर तुम्हारे पास चार्ज इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो उसे बोलते हैं तुम्हारे पास इक्वल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और अगर एक तरफ भीड़ होती है एक तरफ कम भीड़ होती है इसको बोलते हैं तुम्हारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर लैम्डा तुम्हारे पास सिंगल अकेला लैम्डा आ जाएगा इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अगर लैम्डा इक्वल टू सी एक्स आ जाएगा तो फिर हम बोलेंगे तुम्हारे पास ये डिपेंड कर रहा है। ठीक तो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन निकाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फाइनली एक्सप्रेशन निकाल के लाए थे कि तुम्हारे पास के एल बाई आर लॉग एल बाई आर प्लस अपॉन आर। ठीक है अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं निकालने वाले, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक जरा देखना, अब ये डेरिवेशन करना और एक्सप्रेशन निकालना तुम सीख लो भाई, ठीक है क्योंकि एग्जाम में मेंस वगैरह और एडवांस मेंस वगैरह में तो चलो तब भी ठीक है, वो AI ट्रिपल ई लेवल है पुराने समय का, लेकिन एडवांस बिल्कुल प्योर IIT लेवल है। ठीक है तो आपको वो उसको मतलब बढ़िया लेवल उठाना पड़ेगा। हाँ बेटा बोलो। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों नहीं ली है? एक मिनट एक मिनट, हाँ क्या कह रही हो सर? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पी पे जीरो क्यों ली है? जीरो क्यों ली है? हमने इसलिए जीरो ली है क्योंकि जब भी तुम्हारे पास हम किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे होंगे हम उसे लार्ज डिस्टेंस ही बोलेंगे हमेशा। जैसा कि हम बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, अपना बेसिक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक Q1 और Q2 तुम्हारे पास है, हाँ, और ये Q1 और Q2 तुम्हारे पास r डिस्टेंस पर है, तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे तो K Q1 Q2 अपॉन तुम्हारे पास r लिखेंगे। r अगर हमारा लार्ज होगा ठीक है तो u हमारा जो है टेंड करेगा तुम्हारे पास जीरो की तरफ। जब भी कभी तुमको ऐसे सवाल मिले जब वो तुमको क्या नाम है इनिशियल लोकेशन को मतलब पर्टिकुलर वैल्यूज ना दे दे, जैसे मुझे वैल्यूज दे देता भाई 3R पे है या किस पे है या उस पे है तब तो बात समझते, लेकिन इसने कहा मुझे कि हम कैपिटल R से ज्यादा हैं, पता नहीं कितना ज्यादा हो तुम। तो जब भी तुम्हारे पास ऐसे ये छोड़ देगा ना, ऐसे इस तरीके से सवाल को छोड़ देगा यू नीड टू कंसिडर कि जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट पी होगी वो तुम्हारे पास जीरो होगी। ठीक है अब तुम कहोगे कि अच्छा एक बात सर ये भी लॉजिक है कि जैसे अगर देखा जाए तो वी कैन से इट आर QVS माइनस QVP, तो वी कैन से कि पोटेंशियल एनर्जी एट लोकेशन तुम्हारे पास S, वी कैन से US माइनस तुम्हारे पास UP, तुम ऐसे भी कह सकती थी कि अगर तुम वो पर्टिकुलर पॉइंट को लॉजिकली मत समझो कि नहीं नहीं वहाँ पे जीरो नहीं होगा कोई बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट तो बोल ही नहीं, तो तुम ऐसे भी कह सकती थी नहीं तो हम पर्टिकुलर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे हो जाएगा। ठीक है रीजन कर लो सभी लोग पहले, एंड कंप्लीट हो रहा है रीजन कर लीजिए।